हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में दो बड़ी खबरें आज भी निकल करके आ रही है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात करना चाहूँगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगले वीक की क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से मेजर सपोर्ट और रजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर करके आ सकते हैं अगले वीक के लिए, उसके बारे में भी आपके साथ बिल्कुल बात करना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात स्टार्ट करना चाहूँगा आज की क्लोजिंग के साथ। और यहाँ पे आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया में भारी उठक पटक देखने को मिली। हाईली वोलेटाइल स्टॉक था आज वोडाफोन आइडिया, और यहाँ पे भारी वोलेटिलिटी इसमें देखने को मिली है। क्लोजिंग फाइनली हुई है 8.30 रुपये के आसपास, 0.05 रुपये ऊपर, 0.6% की तेजी हालांकि यहाँ पे देखने को मिली थी वोडाफोन आइडिया में। कारोबार की बात करें तो कारोबार की सिचुएशन आपके सामने है। NSE की वेबसाइट पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 8.30 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिखाई दे रही है। हाई यहाँ हालांकि 8.40 रुपये का ही है, और यहाँ पे लो 8.20 रुपये का ही दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी की बात करें 8,58,41,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करूँ 4,37,48,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 51% के आसपास की है। 51% की डिलीवरी यहाँ पे आज उठती हुई दिखाई दे रही है। तो दो दिन से लगभग बात करें तो 50% से ज़्यादा की ही डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया संकेत है। हालांकि वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब कि हाल फिलहाल में वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हमेशा यहाँ पे हाई वॉल्यूम वोडाफोन आइडिया में देखने को मिलते हैं। 20 से 25 करोड़ शेयर की तो नॉर्मली ही यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, परंतु आज यहाँ पे थोड़ा बहुत कम वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, दो खबरें हैं उसके बारे में डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहूँगा। अगेन यहाँ पे सेम यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है। अगेन एक्सपोर्ट्स का यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है, जिसमें यहाँ पे जियोपोली खत्म करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार को फिर से अपील करी गई है। हेडलाइन पढ़ा दोस्तों, इंडिया शुड नेशनलाइज वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे बताया जा रहा है फिर से कि वोडाफोन आइडिया को फिर से भारत सरकार को अपने अंडर लेना चाहिए, जिसके तहत यहाँ पे जो क्राइसिस है उसका निवारण आ सके। मैनेजिंग स्टेट द रन विद द नेशनलाइज वोडाफोन आइडिया कुड सेव जॉब एंड कैपिटल मोस्ट प्रोफेशनली, इट कुड बी द क्रेडिबल थर्ड प्लेयर। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि जियोपोली, हाल फिलहाल में यहाँ पे बात करें जियो और एयरटेल का तो पूरा सर्वाइव करना तय ही है। जियो तो मार्केट लीडर है, और एयरटेल को भी कोई भी इश्यू नहीं है, वो यहाँ पे एज ए सेकंड टेलीकॉम कंपनी के लिए बिल्कुल रह सकती है। जो सवाल है वो वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल पे है। बताया ऐसा जा रहा है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को नेशनलाइज किया जाता है, मतलब कि अंडर गवर्नमेंट लिया जाता है, तो थर्ड प्लेयर एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के उभरेगा। हाल फिलहाल में जो जियो को टक्कर देने वाला ओनली भारतीय एयरटेल है। हाँ, वोडाफोन आइडिया थर्ड नंबर पे है, परंतु उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको समझना चाहिए कि इतनी अच्छी नहीं है, उसके सर्वाइवल में इतने अभी प्रॉब्लम है। अगर भारत सरकार इसको अंडर ले लेती है तो यहाँ पे थर्ड कंपटीशन, जो कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रहेगा यहाँ पे जियो को, ऐसा बताया जा रहा है। और इसको BSNL के साथ मर्ज करने की बातें बोली जा रही है, जिसके चलते दोनों का कंबाइन आप देखोगे तो बड़ी कंपनी भी रहेगी, और यहाँ पे भारत सरकार का सपोर्ट भी रहेगा, तो यहाँ पे टफ यहाँ पे कॉम्पिटिशन जियो को मिलेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि कल मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने कुछ 5 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, जो कि आगे जाकर के वो कभी भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकती है, हालांकि वो ऑफिशियल अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। अगर कुछ यहाँ पे भारत सरकार राहत देती है तो वोडाफोन आइडिया फिर से यहाँ पे पहले की तरह जान वापस आ सकती है। तो सिचुएशन ये सब लटकी हुई है, आगे देखना होगा कि भारत सरकार क्या करती है। दूसरी खबर यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, यहाँ पे टेलीकॉम टॉक की वेबसाइट पे। हाल फिलहाल में बात करें, मैंने कल भी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे टेरिफ हाइक ऑलरेडी इनिशिएट कर दी है, परंतु एक्सपर्टों का कुछ अलग ही मानना है कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को एज ऑफ नाउ टैरिफ हाइक नहीं करनी चाहिए थी, उसको अवॉइड करना चाहिए था। परंतु दोस्तों देखो, एक्सपर्ट अपनी जगह है, यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट अपनी जगह अलग सोचते हैं, और यहाँ पे बात तो वही सही होती है जो कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता किसको होता है? कंपनी के मैनेजमेंट को होता है, कंपनी के सीनियर ऑफिशियल को पता होता है।
उसने यहाँ पे तारीफें करी है तो कुछ सोच समझ के ही करी है। हालांकि इस रिपोर्ट में यहाँ पे एनालिस्ट ऐसे बताने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे तारीफें करेंगे, क्योंकि कल का डाटा मेगा देखोगे तो दोनों ने 20-20 लाख सब्सक्राइबर लूज किए हैं। हाल फिलहाल में बात करें तो भारती एयरटेल ने फर्स्ट टाइम एवर लूज किया है। वोडाफोन आइडिया तो पिछले काफी महीनों से सब्सक्राइबर लूज करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बताने की कोशिश करी गई है कि ये तारीफ अभी इंट्रोड्यूस की गई है तो इसका असर नेगेटिव आगे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस जो लूजिंग है वो आगे भी होते रहेंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। एज ऑफ नाउ तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारत एयरटेल दोनों ने तारीफ हाइक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैं चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और अगले वीक के लिए क्या लेवल आ सकते हैं, क्या रणनीति आपकी हो सकती है वो बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट है 8 रुपये 10 पैसे, उसको बिल्कुल नहीं तोड़ा है, पूरा वीक संभाल करके रखा है। जब से एक गिरावट आई तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 8 रुपये 10 पैसे और 7 रुपये 90 पैसे तक भी यहाँ पे संभल जाता है तो वोडाफोन आइडिया में कोई भी इश्यू नहीं है, और अभी तक तो ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ पे जो 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। वंस यहाँ पे एक ऊपर निकल जाएगी तो फिर यहाँ पे जब वोडाफोन आइडिया नीचे आएगा तो ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। तो पहले तो इसके ऊपर निकलना है और इसको ऊपर क्लोजिंग देनी है। उसके ऊपर बात करें तो 8 रुपये 75 पैसे का भी एक ऐसा लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे उभर करके आ रहा है। तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी आपको 9 रुपये बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। वंस यहाँ पे क्लोजिंग आएगी और ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो 9 रुपये 35 पैसे से लेकर 9 रुपये 50 पैसे का भी एक हर्डल है जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसको भी क्रॉस कर पाना यहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है अगले वीक के लिए। और इसके ऊपर एक लेवल बताना चाहूँगा वो है 9 रुपये 85 पैसे का। तो ये लेवल यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ तक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर बात करना हाल फिलहाल में कोई भी यहाँ पे समझदारी वाली बात नहीं होगी। नीचे मैंने जैसे बताया कि 7 रुपये 90 पैसे होल्ड कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ से बाउंस बैक देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। वंस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वंस क्रॉस करेगा तो अभी जो ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है वो फिर एज ए सपोर्ट के तौर पे बिल्कुल काम करेगा। आप चाहो तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। नीचे बात करें अगर 7 रुपये 90 पैसे का एनी हाउ लेवल टूट गया तो फिर 7.5 तक का भाव भी हमें वोडाफोन आइडिया दिखा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी रिलेटिवली कम मुझे दिखाई दे रही है। RSI का लेवल देखें 42 के आसपास का है तो अभी भी वीक टेरिटरी में ही RSI का लेवल दिखाई दे रहा है, परंतु जैसे ही तेजी आएगी RSI का लेवल भी बाउंस बैक करता हुआ आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा इस लेवल को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है उनको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की लिंक डाल दी है, वहाँ से जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर है वो आपको मैं शेयर करूँगा, जिसके तहत आप कभी भी मुझे अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड के ऊपर मेरी सलाह ले सकते हो। मैं आपको आपके पर्सनल ट्रेड को गाइड करने में बिल्कुल मदद करूँगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।